हेलो फ्रेंड्स, टू आई टेन सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग जो रीजनिंग का जो चैप्टर है एनालॉजी, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उसमें आपके बहुत टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, और ये जो आपका चैप्टर है ये आपका वेरियस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। 100 नंबर का अगर मान लीजिए कोई आपका एग्जाम है तो उसमें 4 से 5 प्रॉब्लम एनालॉजी से रिलेटेड रहते हैं। और अगर यही आपका अगर 200 मार्क्स का होता है तो आपके 8 to 10 मार्क्स इससे संबंधित रहते हैं। तो इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे उसका हम लोग डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि हमारे सामने ये जो पहला जो क्वेश्चन है तो ये आपका एनालॉजी से संबंधित है। तो इसमें ये बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर का संबंध अगर क्रिकेट से है तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। तो सबको पता है कि जो सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेटर है, तो उसी प्रकार जो सानिया मिर्जा है वो क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर एक है। और इसमें ये आपका केवल टेनिस लिखा है, लेकिन टेनिस भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका टेबल टेनिस होता है जो आपका टेबल पे खेला जाता है, मतलब एक टेबल होती है और जैसा जैसा लॉन टेनिस क्या होता है, ग्राउंड में खेला जाता है, और टेबल टेनिस आपका आपका एक टेबल में खेला जाता है। और इसमें क्या होता है, ये आपका नेट होता है, ठीक है, ये इसमें नेट होता है और यहां पर एक यहां पर और एक खिलाड़ी यहां पर दोनों खेला करते हैं। और इसमें अगर मान लीजिए कि इसने अगर बॉल मारी और यहां पे आगे लड़ गई तो इसका एक फाउल मान लिया जाता है। अगर इसके साथ ऐसा होता है तो इसका एक फाउल मान लिया जाता है। तो हमें इतनी बात नहीं करनी है इसमें। इसमें जो सानिया मिर्जा का संबंध है वो किससे है, टेनिस से है। आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो गाय का संबंध जैसा बछड़े के साथ होता है, तो देखिए जो गाय के लिए जो उसका बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बछड़ा कहते हैं। तो उसी प्रकार बकरी के लिए जो उसका बच्चा होगा, जो बकरी का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेमना कहते हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हमारा मेमना करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि जहाज कप्तान से अगर संबंधित है तो इसमें जो अखबार है, तो देखिए जो जहाज होता है, ठीक है, जो जहाज है तो उसमें क्या करता है, जो कप्तान होता है, ठीक है, कप्तान जो होता है वो टीम मेंबर, टीम का एक लीडर होता है, ठीक है, और वो जहाज को लीड करता है। और इसी प्रकार जो एक अखबार जो आपका होता है, ठीक है, तो जो अखबार जो आपके निकाले जाते हैं तो उनको जो संपादित करने वाला जो होता है वही क्या होता है, टीम हेड होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, संपादक हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा मैराथन दौड़ से अगर संबंधित है तो शीत निष्क्रियता को हमसे पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित है। तो देखिए जो मैराथन है, मैराथन एक लंबी दौड़ होती है और शीत निष्क्रियता एक लंबी नींद के बाद क्या होती है, शीत निष्क्रियता आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि देखिए जो निष्क्रियता, जो आपके सामने जो वर्ड लिखा है, निष्क्रिय क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का या किसी पशु का शरीर ही निष्क्रिय हो सकता है। क्या जाड़ा कभी निष्क्रिय हो सकता है, जाड़ा तो मौसम है। और बर्दाश्त करना, बर्दाश्त एक क्या है, क्रिया है, ठीक है, तो बर्दाश्त भी आपका निष्क्रिय नहीं हो सकता। और देखिए जो सपना, जो कभी रात में हमें सोते समय दिखाई पड़ता है उसको हमें सपना कहते हैं, तो वो भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। तो निष्क्रिय जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है। और जिस प्रकार यहाँ पर मैराथन दौड़ना एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति दौड़ रहा है, तो
शीत निष्क्रियता वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति एक गहरी नींद में चला जाता है, ठीक है। यहां पर एक समय, एक टाइम पीरियड जो होता है, जो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उससे संबंध हम बता रहे हैं। जैसे मैराथन में व्यक्ति लंबी दौड़ में भाग लेता है, उसी प्रकार जब शीत निष्क्रियता होती है तो व्यक्ति लंबी गहरी नींद में चला जाता है। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है ये कि क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, तो जो न्यूटन का गतिविषय तृतीय नियम होता है तो उसमें क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, अगर हमारे सामने कोई जानवर है या मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो हम उसे किसी कार्य को करने के लिए, किसी गलत कार्य को करने के लिए हम उसे उकसा रहे हैं, ठीक है। तो उकसा रहे हैं तो उकसाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उससे या तो हमें कुछ अपने मुंह के थ्रू अपने शब्दों को कहना होगा, और या फिर क्या होगा कि हमें अपनी तरफ से मान लीजिए कि उसे झापड़ मारना होगा, या मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। तो जो उकसाने के जो जस्ट पहले जो होगा वो क्या होगा, वो आपका अनुक्रिया होगी। और देखिए, जो आपका गलत में भी मैं आपको बता दूं, देखिए दूर दृष्टि, तो आपका ये दूर की दृष्टि है, इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है, और ये बेसिकली आपका फिजिक्स का वर्ड आप कह सकते हो। और प्रतीक पुष्टि, ये थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है। और ये जो स्वागत है वो आपका सकारात्मक है, ठीक है। और इसका जो देखिए क्रिया का जो संबंध है, ठीक है, जो क्रिया का संबंध है वो प्रतिक्रिया के साथ है, और क्रिया अगर हम कर रहे हैं तो जो प्रतिक्रिया मिल रही वो एक नेगेटिव वर्ड है, और जो स्वागत है वो सकारात्मक है। तो अगर इसमें अगर हमें नेगेटिव वर्ड मिल रहा है तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उकसाना, ठीक है, सॉरी अनुक्रिया। तो जैसा कि ये आप क्वेश्चन हमारे सामने देख रहे हैं, तो देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें जो विलापी जो आपका शब्द है, ये आपका कैसा है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक। नेगेटिव वर्ड में इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए जो विलाप, जो व्यक्ति अंदर से दुखी होगा वही विलाप करेगा, ठीक है, और उसके पास कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की कमी होगी, या किसी के चले जाने का गम होगा, या उसके पास अपने पास संसाधनों की कमी होगी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की नकारात्मकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सेंटेंस आपका एक नेगेटिव बन सकता है, सेंटेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि जो विलापी जो व्यक्ति होगा उसका जो संबंध होगा वो दुख के साथ होगा, और दुख होना एक सकारात्मकता नहीं है, ये किसी व्यक्ति के अंदर एक पाई जाने वाली कमी है, जो कि एक नकारात्मक एक विकार। तो इसके जो सकारात्मक जो ऑप्शन है, पहले मैं उनको एलिमिनेट कर देता हूं। तो देखिए, सत्य एक सकारात्मक है तो ये हो नहीं सकता, और प्रसन्नता भी एक सकारात्मक वर्ड है, ठीक है। अब बचे जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, क्रोध और दुखी। तो देखिए, जो क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध होता है उसका संबंध गुस्से के साथ होता है, ठीक है, क्रोध का संबंध गुस्से के साथ हो सकता है। और क्रोध में क्या होता है कि क्रोध जो होता है आपका पाप का मूल होता है, उसमें क्रोध में आप विनाश लीला भी आप कर सकते हैं क्रोध में। तो ये आपका, इसका जो संबंध है गुस्से के साथ है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और जो जैसे दयालु क्या करता है, दयालु व्यक्ति एक परोपकार की भावना को फैला देता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो दुखी व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दुखी व्यक्ति के अंदर क्रोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर वो विलाप कर रहा है तो वो दुखी जरूर होगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये जैसा कि क्वेश्चन है, तो देखिए ये बोल रहा है चार मीनार आपके भारत में आते हैं, उसी प्रकार से जो आपके पिरामिड हैं वो आपके मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। चार मीनार भारत के अंदर है, सबको पता है चार मीनार भारत में हैदराबाद में आता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पिरामिड हैं वो मिस्र में आपके आते हैं। तो ये आपका कौन सा, डी करेक्ट है।
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपका अखरोट, शैल और केला ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका जो अखरोट में जो आपका अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, वो किसके अंदर होता है? वो शैल के अंदर होता है। और इसी प्रकार जो आपका केला होता है वो किसके अंदर होता है? वो आपका छिलके के अंदर होता है। जो आपका हरा हरा या इवन पका हुआ केला होता है तो पीला छिलका हो जाता है। तो जो छिलके के अंदर क्या होता है? केला। शैल के अंदर आपका खाने वाला अखरोट होता है। और इसी प्रकार जो आपका खाने वाला केला होता है वो किसके अंदर होता है? छिलके के अंदर होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छिलका। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो कुत्ता है, ठीक है, डॉबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति होती है। और इसमें क्या है हमें, तो इसमें अगर आएगी यानी यहां पर जो शामिल होगा वो क्या होगा? मछली की एक प्रजाति होनी चाहिए। तो देखिए मैं पूडल में आपको बता दूं, पूडल भी एक जैसे डॉबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति है, उसी प्रकार पूडल जो होता है वो भी आपका कुत्ते से ही संबंधित है। पूडल जो आपकी प्रजाति है वो भी एक कुत्ते की ही प्रजाति है। और जो आपका सेलमन है ये आपका करेक्ट आंसर है और ये मछली से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, जर्सी एक गाय की प्रजाति है। जो जर्सी है वो किसकी? गाय की प्रजाति है। और रेगडॉल जो है वो एक बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है। जो रेगडॉल है उसका संबंध बिल्ली से है, जर्सी का संबंध गाय से है और पूडल का संबंध कुत्ते से है। हमसे पूछ रहा है जो मछली का जो संबंध होगा वो किसके साथ होगा? सेलमन के साथ होगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो कार है उसको कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। तो इसी तरीके से जो हवाई जहाज है, जो आपका एरोप्लेन है, उसको कौन चलाता है? उसको पायलट चलाता है, ठीक है। तो पायलट आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है। और कैप्टन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कैप्टन आपका होता है वो टीम लीडर होता है, वो टीम का जो लीडर होता है उसे हम बोलते हैं कैप्टन। कैप्टन आपका कहीं भी हो सकता है, आपका खेल में हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, कहीं पर भी आपका जो कैप्टन जो होता है, कैप्टन जो होता है वो क्या होता है? वो किसी भी संस्था का एक केंद्र बिंदु आप कह सकते हो। संस्था मैंने बोल दिया है, हो सकता है संस्था ना हो, लेकिन मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जो कैप्टन होगा वो क्या हो जाएगा? वो केंद्र बिंदु होगा। सब लोग अगर मान लीजिए उसमें कुछ अच्छा काम होगा तो वो प्रशंसनीय काम होगा तो उसको तो कैप्टन को ही शाबाशी मिलेगी। अगर मान लीजिए कुछ गलत काम होता है तो उसी की निंदा भी की जाती है। और एयर होस्टेस आप लोग जानते हैं, जब हवाई जहाज जब उड़ता है तो वो लोग बताती हैं इस विमान में दो मुख्य द्वार हैं, एक बाईं तरफ है एक दाईं तरफ है। और आपके पास आके ये भी कभी कभी कहते हैं क्योंकि एयर होस्टेस में आपके लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो ये भी आपसे सवाल जवाब करती हैं कि एक्सक्यूज मी सर, आप और क्या लेंगे? आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे? ये सब पूछती हैं। और जो कंडक्टर होता है, जो बस में जो आपका टिकट काटता है, टिकट करता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। खैर उससे हमें लेना देना नहीं, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पायलट। तो ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए जो बंदूक में अंदर क्या होती है? गोली होती है। और जो टॉर्च में, टॉर्च अगर हम लें तो टॉर्च के अंदर भी क्या होती है? बैटरी होती है। अब आपके मन में यही कह रहा होगा कि भाई जो मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होती है वो भी तो एक टॉर्च है, लेकिन उसमें सेल नहीं पड़ता है। लेकिन भाई मोबाइल की भी अपनी बैटरी होती है ना, तो बैटरी का और बात की जा रही है बैटरी की, तो चाहे मोबाइल की बैटरी हो चाहे भाई जो आप सेल खरीद के लाते हैं आप उसको बैटरी कहें, तो ये एक बैटरी है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? वो आपका बैटरी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो वानर जो होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बड़बड़ाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे ईंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो गले से
घुरघुर की आवाज निकालते हैं, तो ये क्या होता है आपका, ए ऑप्शन आपका घुरघुर आपका सही है।